वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने ईदगाह मख्ता मदार का दौरा किया और ईदगाह में से अवामुन नास की आमद व रफ्त के लिए मुतबादिल रास्ता निकालने की तजवीज़ पर गौर करने का तयखुन दिलाया है। मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने कहा कि ईदगाह मख्ता मदार से सड़क बनाने के लिए मुकामी अवाम ने इसरार किया है, चुनांचे बोर्ड CEO और मेम्बरान से बातचीत के बाद ही कोई कतई फैसला किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने तमाम मसाजिद, कब्रस्तान और दरगाहों के कमेटीज के जिम्मेदारों पर जोर दिया है कि वो शब बारात के मौके पर हर मुमकिन सहूलियात को यकीनी बनाए। मख्ता मदार में जो है ये निकलिस रोड के बाजू में जो है जो ईदगाह है, ईदगाह मख्ता बोलते हैं ना इसको, ईदगाह मख्ते मदार जो है। और हमारे कारपोरेटर मैडम विजय रेड्डी मैडम जो है उन्होंने भी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर, पब्लिक की राय से जो है, सबके मशवरे से यहाँ पर रोड डालने के लिए जो ना उनकी प्रॉब्लम है। राजभवन के सामने जो रेलवे गेट जो गिर जाता तो किसी को हार्ट होगा, किसी को एमरजेंसी हॉस्पिटल को ले आने का है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो ले आने के लिए मुश्किल हो जाती है रेलवे गेट गिरने से। तो ये अल्टरनेट रास्ता जो है ना एक ज़माने से खुला है, यहाँ से ऑलरेडी पब्लिक जा रही है यहाँ से, तो उसके लिए जो है ना इसका बीच का रास्ता एक निकाल के एक साइड से एक रोड देने के लिए जो है ना ये कर रहे, तो मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ, मगर महल्ले वाले भी जो है ना उससे मुत्तफिक हो के जो है ना सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से बाजू से रोड निकालना है, मगर हम बोर्ड में कुछ मेम्बरों से बात करके CEO वगैरह से बात करके जो है ना उसको ऑर्डर देना ज़रूरी रहता, उसको अपन ऐसी बोल के काम कर लिए तो गलत हो जाता, CEO से ऑर्डर देने लगाएंगे उसके बाद ही काम स्टार्ट करें तो अच्छा रहता हो। ये वक्फ का है सर? हाँ, ये असल HMDA की लैंड थी, ये वक्फ बोर्ड की नहीं थी लैंड, ये HMDA वाले वक्फ बोर्ड को दिए। वक्फ बोर्ड जो है ना मतलब यहाँ पर ईदगाह नहीं है बोलने से ईदगाह के लिए HMDA के तहत इधर आई है ईदगाह को लैंड, ये तो ईदगाह एक बार मुंतखब और वक्फ बोर्ड में आ जाने के बाद गजट छपने के बाद वक्फ हो जाती लैंड, तो वो लैंड पे जो है ना अगर कुछ करना है तो फिर वक्फ के हिसाब से करना पड़ता है कोई भी चीज़। ऐसा मैं भी एक ना डिसीजन नहीं ले सकता, कॉर्पोरेटर मैडम भी नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता। वक्फ बोर्ड में जो है ना इसका डिस्कशन करके उसको कैसा करना है, रोड बराबर निकालेंगे मगर किस तरीके से निकालेंगे वो मैडम के साथ बैठ के जो ना ऑफिसरों को बुला के फाइनल कर देंगे। सर, एक दो दिन बाद जो है शब बारात भी है और वक्फ बोर्ड की जानिब से कब्रिस्तान की साफ सफाई रोशनी ऑलरेडी कल मैं जो है ना सियासत वगैरह में भी छपा, मगर पूरी आवाम से मेरी अपील है जो भी मुतवल्ली है कमेटी, ग्रेवयार्ड्स कमेटी है और हमारे मस्जिद कमेटी है और दरगाह कमेटी है और मुतवल्लीज है, जितने भी ग्रेवयार्ड्स के मुतवल्लीज है, कब्रस्तान के कमेटी के लोग हैं, उन लोगों से सबसे प्रेसिडेंट से सबसे मेरी अपील है कि आप लोग पूरे कब्रस्तान में जो है ना रोशनी का इंतज़ाम, लाइट का इंतज़ाम और साफ़ सफाई का, क्लीन एंड ग्रीन का इंतज़ाम करना है और अच्छे से अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम इन लोगों को शोकाज नोटिस भी देंगे, क्योंकि पब्लिक को तकलीफ नहीं होने का है, क्योंकि KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है ना हर कम्युनिटी को इंसाफ देने का हम लोग काम कर रहे हैं, तो वैसी जो है ना कब्रस्तानों में भी जो है ना वक्फ की जानिब से जितने कमेटियाँ मुतवलियाँ वगैरह है उन लोगों से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आज का दिन भी आप लोगों को सारा दिन मिल गया, कल भी दिन में टाइम मिल जाता, कल तक भी जो है ना पूरा क्लीन करके जो है ना लाइटिंग लगा दिए तो जो है ना लोग ज़ियारत करने के लिए आते, फातिहा पढ़ने के लिए आते ग्रेवयार्ड्स में वहाँ, तो उसके लिए मस्जिदों में हर जगह जो है ना पानी का इंतजाम, साफ सफाई का इंतजाम रखे तो बेहतरीन रहेंगी। सब तो दो मिनट खाएंगे मैडम, मैडम कुछ मुड़ रहे मैडम, ये इशू जो है कुछ थोड़ा पीछे तो इब्राहिम थोड़ा पीछे रेडी मैडम, ओके ओके मैडम।